started this company back in 2002, July 2002 to be precise. Century Moldings Private Limited के नाम से ये मध्य प्रदेश की फर्स्ट प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुभ ब्रांड के नाम से हमने स्टार्ट किया और उसके बाद पर्टिकुलरली फर्नीचर पे ज़्यादा फोकस करते हुए हमने पूरी रेंज बनाई है। जुलाई 2002 में जब हमने स्टार्ट किया था मेरी एज बहुत कम थी और उस एज की वजह से बहुत इनएक्सपीरियंस था मैं, अनुभव की बहुत कमी थी और स्ट्रगल पीरियड बहुत 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 लंबा चला। करीब 5 से 7 साल तक स्ट्रगल पीरियड था। उसमें इतना डीप में जाके हमें काम करना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी कड़ी मेहनत की, उससे जितने भी समस्याएं थीं उनको बिल्कुल रूट ऑफ द कॉज पे जाके उसको ठीक करना पड़ा। उसके बाद ही हम मार्केट में इस्टेब्लिश हो पाए और इसके बाद हम लोगों ने मार्केट की हर कस्टमर की, ग्राहक की हर ज़रूरत को समझते हुए अपना आगे लक्ष्य निर्धारित किए और उसके बाद मार्केट में प्रेजेंस और पूरी प्रोडक्ट रेंज, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, सर्विस, आफ्टर सेल्स, इन सभी पे ध्यान देते हुए हम लोगों ने काम किया और वर्ष 2011-12 के बाद हमें बहुत अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो गए। बहुत ही जल्द हम लोग एक्सपोर्ट में भी आने वाले हैं और बहुत ही बड़ी रेंज के साथ प्लास्टिक फर्नीचर से रिलेटेड लगभग हर चीज़ हम उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं अभी से डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पर बहुत नई रेंज लेके हम लोग मार्केट में आ रहे हैं। इस बहुत ही कम्पिटिटिव मार्केट में, बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के बीच में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम है, पर सतत मेहनत और कांस्टेंट इंट्रोस्पेक्शन से हमने ये ज़रूर अचीव किया है और आगे भी हम यही करेंगे। नमस्कार, मैं मुरली गिरधानी, हमारे मध्य प्रदेश की सबसे पहली प्लास्टिक चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेंचुरी मोल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड हमारे शुभ परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन जो कि बाहर से इंपोर्ट की गई है, इसके प्रोसेस के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा। ये मशीन 3 भागों में बटी रहती है, जो कि इसके अंदर रहता है एक मटेरियल प्रोसेस जहाँ पे अपना प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, जिसको हम प्लास्टिक दाना भी कहते हैं, जिसे डाला जाता है। देन ये मटेरियल जो है 300 से 400 डिग्री तापमान से गुजर कर जो है अपना डाई के अंदर जाकर एक शेप लेता है। मशीन के जो डाई देख रहे हैं, डाई के बाहर ब्लू पाइप्स हैं जिसमें अंदर पानी का इनफ्लो और आउटफ्लो चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है, जिससे कि अंदर गए रॉ मटेरियल को ठंडक मिलती है, जिससे कि वो अपना कंप्लीट पूरा शेप ले लेता है, जो कि फिर उसके बाद नीचे ड्रॉप होता है जिसकी फिनिशिंग की जाती है। और उसके बाद उसको पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। क्वालिटी एट द बेस्ट प्राइस, यही हमारा मोटिव रहा है शुरू से और आगे भी यही रहेगा। और पिछले 15 वर्षों में जो हमने मेहनत की है, उससे अधिक मेहनत, उससे अधिक इच्छा शक्ति के साथ हम मार्केट में आएंगे और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे।